साजिया डेलीवरी वेंडर वोटिंग करना चाहती है। और यहाँ पर गांधी जी के 3 मंदिर, क्या साजिया कान बन की है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया डेली रिमाइंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ है मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पिकनिक का एक पूरा वीडियो शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले आपने लास्ट मेरे वीडियो में देखा होगा, पिकनिक की तैयारियों से लेकर पिकनिक जाने तक का वीडियो मैं आपके साथ पार्ट 1 शेयर की हूँ और आज आप देखने वाले हैं पिकनिक का पार्ट 2 व्लॉग। मिलते हैं पिकनिक में। और अभी हम निकल चुके हैं घर से और आज मैं जा रही हूँ पिकनिक डिमना। और जमशेदपुर में जो डिमना है वो पिकनिक का स्पॉट में नंबर 1 पे आता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पिकनिक के टाइम में लोग यहाँ अपने फैमिली के साथ, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से और दोस्तों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं डिमना लेक और यहाँ पर अभी हम अम्मी, भाभी, साजिया, गुड़िया, फैसल के साथ है। भाई और जनाब अब्बू बाद में ज्वाइन करेंगे हमें, उन्हें कुछ काम है। सर्दियों के मौसम में पिकनिक करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और आज तो संडे है तो ऐसी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और लगभग जो डिमना के लेक के आसपास से 1 किलोमीटर पहले से ही आप देख सकते हैं कि जो पिकनिक की तैयारियां हो रही है यहाँ। उसके लिए 8 बजे आते तब बोलिए, कभी और प्लान करना ना, आएंगे 8 बजे। और आज संडे है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। पहले हम गए थे लेक की तरफ लेकिन वहाँ पर पूरा फुल था जगह और दूर दूर से सभी आए थे, बसेस वगैरह लगे हुए थे। तो मैं अभी यहाँ हम डैम के पास अपना जो है सेटअप लगाए हैं हम लोग। फैसल और ये भाभी और यहाँ पर गांधी जी के 3 मंदिर, क्या है साजिया कान बन की है, भाभी फेस, गुड़िया मजा आया, गुड़िया आँख। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और आज संडे है, क्रिसमस की भी छुट्टी है तो यहाँ पर जो बच्चे हैं अपनी फैमिली के साथ, स्कूल की तरफ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये रहा डैम और अभी तो देख रहे हैं आप इसका कोई भी फाटक निकला जब, लेकिन जब बारिश होती है पानी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो इसमें से जब फाटक खुलता है तो बहुत ही डेंजर सीन होता होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। अभी कहाँ से खोलेगा, फैसल पूरा घूम के आ रहा पता है हमको लग रहा। और अम्मी दादी एक जगह बैठ गई है और अभी भाभी, मैं, साजिया, फैसल थोड़ा सा सोची थी सभी फोटो शूट कर रहे थे, मैं सोची थी अपना व्लॉग भी थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। ओह माय गॉड, वाओ। और थोड़ा सा सभी अपना फोटो शूट करने के बाद आ गए खाने पीने, तो यहाँ पर अभी कोल्ड ड्रिंक्स पिया जा रहा है। दादी को भी देना, तू पहले फिर हम दादी को दे दें। बस ले आ, लेकिन हम अपना नहीं लेंगे, अम्मी भी डाल दे दें, फैसल भी डाल दे, दोनों दे दें। ना जा रही थी भाई आ रहे हमारे पिकनिक में, टिकट लगी है बढ़िया। हाय हाय भाई जी, गुड़िया हट ब्लॉक के लिए ले रहे हैं, ठीक है हम यहाँ पे तरफ की बात।
वीरता के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं फैसल को हराने की। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? दादी यहाँ पे पल्ले झाड़ के बैठी हुई क्योंकि दादी को यहाँ पे धूप लग रहा है, इस तरफ खाना बन रहा है। ये भाई अब सोच में है कि क्या करूं मैं तो यहाँ पे मैं हारता ही जा रहा हूँ। अब भाभी यहाँ पे चेयर कर रही है भाई को कि भाई जीती आप जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। और काफ़ी वेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनाब और अनम अरसलान भाई सभी आ गए हैं और थोड़ा खेल कूद भी हो गया है, सभी थक गए हैं तो यहाँ पर अभी खाना खाने बैठे हैं, फिर इसके बाद हम चढ़ेंगे सीढ़ी। चिकन ला रहे भाई, वहीं पे रखवा दे रहे बस हो गया, चम्मच डाल दे। सलाम से हम आप सबको भर तुम दोनों अभी हम और खाएंगे, आप खाइए, आपका बंद कर देंगे, आपको नहीं देंगे। नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, सब खाई रहे तुम, बस करो। नहीं लेंगे दादी, दादी नहीं लेंगे। और सब्जी चाहिए भाभी आपको? और जनाब भाई लोग के खाने के बाद अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं। बिरयानी आप किसको तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं डिमना डैम के पास और आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ राजा बैंक हाउस हमारे साथ है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और यहाँ पे हमारे एकदम क्या बोलते हैं बस केक कटिंग होने वाला है और नाजिर टमाटर के साथ हम लोग केक लेकर खाएंगे, तो स्टे करेंगे द ब्लॉग एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। आदि फिर हम ये भी फोकस कीजिए वन अरे हैप्पी बर्थडे नहीं हम दादा सो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी का भी बर्थडे नहीं था, ये सिर्फ नाश्ता के लिए आया था और बस ऐसे ही मस्ती करने के लिए, और मुझे नहीं लगता दादी इससे पहले कभी केक कट की थी तो मैं सोची क्यों ना दादी का ऐसा ही फेक एक बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए, दादी भी खुश हो गई। हाय गाइस आया अरसलान कहाँ फिर अभी पहुँचे, सबका हालत खराब हो गया, सब बहुत थक गया सिवाय मेरे। आपको तो बुरी नाजिया डेली वेंडर वोटिंग करना चाहती है, 1100 रुपये प्राइस है। हाँ वोटिंग का 1100 रुपये होगा। इतना दूर तक लाया इसको बोलते हैं, हम पहली बार अपना लाइव देख रहे हैं। जाने पड़े Thank you.
और मुझे तो ये अंकल को देख के अपने बचपन याद आ गया, ये जो मिठाई है। और आपको याद आया कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ डिमना लेक आए हो और बोटिंग ना की हो तो मज़ा अधूरा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने, और इसका जो ब्लॉग है फुल वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। आज मैं इसमें यहाँ बोटिंग का ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। इसका पूरा डिटेल कि क्या टिकट का प्राइस है और इसका टाइमिंग क्या है और यहाँ पर कितना पर्सन एक बार में जा सकते हैं बोटिंग में, और सब कुछ डिटेल में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलेगा। देख रहे उधर से सब बस लगा हुआ है, लेकिन सूरज को देखिए डूब रहा है अभी। हाँ वही तो ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब देखो स्पीड नहीं चल पाएंगे तुम लोग, अभी हमको समझा कहाँ है। तुम दौड़ी हम भाई लोग। और अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं जिधर अम्मी पे और दादी वेट कर रही है वहाँ। अरे क्या हो गया, कोई नवादा का मिल गया क्या? हाँ हाँ कोई नवादा कोई नहीं मिला, यही का मिला। हाँ अच्छा उधर ही है। और जनाब मुझे रिसीव करने आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैं आज पैदल चल चुकी थी। तुम लोग जा रहे पता है जहाँ पर अम्मी और दादी वेट कर रही है, बस वहाँ भी हम पहुँचने वाले हैं। और अबू भी आ चुके हैं, तो फिर घर जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और संडे था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा गाड़ी खड़ी है। और यहाँ से दूर दूर तक, सिर्फ यहाँ भी नहीं इससे आगे भी बहुत दूर दूर तक बस है, कार है, बाइक है। और मज़ा तब डबल हो जाता है जब फैमिली साथ में हो। बहुत ही अच्छा लगा आ जाकर। सो आज पिकनिक में फ्रेंड्स बहुत ही इन्जॉय की और बहुत मज़ा आया, बहुत ही मस्ती की, हंगामा हुआ, बहुत कुछ हुआ, और हमें तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी मेरे साथ इन्जॉय किए हो। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले, और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।